हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे नम पाई स्प्लिटिंग एरे। इससे पहले हमने ज्वाइन ऑपरेशन देखा था। ज्वाइन में आपका ज्वाइन करते हैं, आप मल्टीपल एरे को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, बट स्प्लिट के थ्रू आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सब पार्ट्स में अपने एरे को। सो स्प्लिटिंग इज अ रिवर्स ऑपरेशन ऑफ ज्वाइन। ज्वाइन का ये रिवर्स ऑपरेशन होता है। ज्वाइनिंग मर्ज मल्टीपल एरे, ज्वाइन के थ्रू तो मल्टीपल एरे को मर्ज किया जाता है, बट स्प्लिट के थ्रू आप ब्रेक करते हैं मल्टीपल पार्ट्स में एरे को। सो इसमें जो आपका फंक्शन यूज होता है वो ये फंक्शन आपका यूज होता है, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट देन ब्रैकेट के अंदर। इसमें आप दो पैरामीटर आपके पास होते हैं। पहला पैरामीटर आप देते हैं एज अ एरे नेम, और दूसरा आप कहाँ कितने एलिमेंट में आपको इसको स्प्लिट करना है, कितने पार्ट में। सो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी। इसके बाद हमने एक एरे यहाँ पर डिफाइन किया। एरे के बाद आपने न्यू एरे क्रिएट किया है, एन पी डॉट एरे स्प्लिट, देन यहाँ पर एरे का नेम आ जाएगा आपका, एंड तीन पार्ट में आप इसे डिवाइड करें। इसके बाद प्रिंट कर देंगे आप, तो ये थ्री पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। सो कोड के थ्रू हम लोग देखेंगे इसको। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूटर को आप ओपन कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में। उसके बाद आप स्पाइडर को ओपन कर लीजिएगा, स्पाइडर में हम लोग वर्क अपना परफॉर्म करेंगे। ओके, स्पाइडर हमारा ओपन हो चुका है। नाउ वी विल क्रिएट न्यू फाइल। न्यू फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं और इस फाइल को हम लोग सेव कर देंगे। फाइल सेव एस, सेव फोल्डर पे आप कर दीजिएगा, स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट डॉट पी वाई से आप इसे सेव कर दीजिए। नाउ सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट नम पाई एज, एज हम लोग क्रिएट कर देते हैं एन पी नम पाई। नाउ इसके बाद आप एक एरे क्रिएट कीजिए, एरे इक्वल टू हम लोग एरे ले लेते हैं एन पी डॉट एरे, देन मल्टीपल एलिमेंट आपको इसमें इंसर्ट करने हैं। सो वी कैन राइट 1 2 3 4 5 6। नाउ इसके बाद आप यहाँ पर साइज हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर न्यू एरे हम लोग यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं। न्यू एरे इक्वल टू आप क्या करेंगे, इसमें एन पी प्लस प्रीडिफाइंड फंक्शन आपको यूज करना है, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। देखिए प्रीडिफाइंड आपको फंक्शन यहाँ पर मिल भी जाएगा आपको, अगर आप स्प्लिट करते हैं देन यहाँ पर फर्स्ट आपको एरे का नेम देना है, एंड उसके बाद आप यहाँ पर एलिमेंट दे देंगे कितने पार्ट्स में आपको इसको तोड़ना है। तो थ्री पार्ट में हमने तोड़ दिया है, देन आप इसको क्या कर देंगे यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। सो प्रिंट करेंगे आप, और यहाँ पर आप दे दीजिए न्यू एरे, न्यू एरे आप दे देंगे, सेव करेंगे इसको, देन आप प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपके थ्री पार्ट्स में एरे के डिवाइड हो चुका है। सो ये पहला पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है आपका। इस टाइप से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं सब पार्ट्स में। सो थ्री पार्ट में आपने डिवाइड किया, इसी टाइप से आपको फोर पार्ट में स्प्लिट करना है, तो फोर आप राइट अप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फोर करेंगे तो ये फोर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज कर लेगा वैल्यू को। सो देखिए फोर पार्ट में पहले में टू एलिमेंट आए, सेकेंड में भी टू आए, थर्ड में आपका वन एलिमेंट आ गया है, एंड फोर्थ में भी वन आ गया है। तो इसने इसे फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद आपने स्प्लिट किया है, इसके बाद आप इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम इसे थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, थ्री में डिवाइड करने के बाद आप इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं हर एक एलिमेंट को। सो जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू आपने एक्सेस की, इसके बाद आपने यहाँ पर लिखा प्रिंट, देन सेकेंड इंडेक्स की हम लोग एक्सेस करते हैं न्यू एर। सो यहाँ पर आप वन इंडेक्स की वैल्यू ले लेंगे, एंड थर्ड में आप यहाँ पर क्योंकि थ्री पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है तो थ्री इंडेक्स के थ्रू ये आपका एक्सेस करेगा न्यू एर, एंड यहाँ पर आप वैल्यू लिख दीजिए टू। सेव करेंगे आप इसे, देन आप रन करेंगे इसको तो आप देखेंगे ये आपके एरे एलिमेंट जो है वो एक्सेस है। ये पहला इंडेक्स वैल्यू है, ये सेकेंड इंडेक्स वैल्यू है, और ये इसका थर्ड इंडेक्स वैल्यू है जो आपका स्प्लिट होके एरे क्रिएट हुआ है। नाउ इसी केस में आपको अगर टू डायमेंशन एरे को कन्वर्ट करना है तो टू डायमेंशन एरे भी आप क्रिएट कर सकते हैं और उसे भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरा एरे ले लेते हैं, एर वन इक्वल टू एन पी डॉट एरे, देन इसके अंदर हम लोग एक टू डायमेंशन एरे क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट एंड ये आपका सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा। इस सेकेंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख लेते हैं 3.4 कॉमा ब्रैकेट में 1.2 कॉमा नेक्स्ट एलिमेंट आप राइट अप कर दीजिए यहाँ पर 4.5, देन एक और ले लेते हैं 6.7। नाउ अब आप इसे स्प्लिट करें, सेम फंक्शन हम लोग यहाँ पर भी क्रिएट करते हैं। सो यही फंक्शन हमने राइट अप करना है यहाँ पर। सो हमने यहाँ पर लिखा न्यू एरे वन, एर वन,
आपने किया यहाँ पर, और यहाँ पर आप एरे वन को स्प्लिट कर रहे हैं थ्री पार्ट में। एरे वन को आपने स्प्लिट कर दिया है, एरे स्प्लिट देन थ्री पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे इस एरे को। सो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, न्यू एरे, न्यू एर वन सेव करेंगे आप, देन आप रन करेंगे इसको, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखिए पहला एरे आपका ये बन चुका है, सेकेंड एरे ये बन चुका है, और थर्ड एरे आपका ये बन चुका है टू डायमेंशन एरे। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं सिंगल डायमेंशन एंड टू डायमेंशन एरे को इन पाइथन। तो इस टाइप से आपका स्प्लिटिंग होता है। थैंक यू स्टूडेंट।